हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंसी। ये फिगर हमें इस तरह की दी हुई है, 90 डिग्री में एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आ रहा है, तो जब भी 90 डिग्री में इंसिडेंस होगा तो विदाउट डेविएशन वो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, द रे विच एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि इमरजेंट रे है और हमें यही निकालना है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ द फिगर क्या है कि देखिए, हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो है ऑलरेडी एक नॉर्मल ही है, दिस इज ऑलरेडी नॉर्मल सरफेस के लिए अगर हम सोचे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो यहाँ पे जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो जीरो है, आई जीरो है, आर जीरो है। यहाँ पे हम इसको आर वन मान लेते हैं, इसको आर टू मान लेते हैं। और आपको प्रिज्म की फिगर अच्छी तरह से याद होगी, तो प्रिज्म में अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्शन है और ये इमर्जेंस है, तो हम यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक को आर वन और एक को आर टू लेते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। और इस फिगर में आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है, ये भी हमें अच्छी तरह से पता है प्रिज्म फॉर्मूले में, बराबर है, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये नॉर्मल इंसिडेंस होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। अब हम क्या करते हैं, आर टू निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। सो अब आर वन प्लस आर टू हमारे सामने ए है, ठीक है। अब हमारे पास एक तो जीरो हो गया आर वन, अब आर टू हमें निकालना है। क्या हमें ये पता है क्या, तो ये 90 60 30 का एक ट्रायंगल है, 30 60 90, ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया 30। तो हमारे पास ए दिया हुआ है 30, तो आर टू हमारे पास हो गया 30 डिग्री। अब हम यहां पे देखते हैं, अगर इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मान लेते हैं और बाहर वाले एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मान लेते हैं, तो अब लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ। जब लाइट इस तरह से जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर म्यू वन ये ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, म्यू टू बाहर वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं। ऐसा अगर है तो जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का फॉर्मूला होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर एक चीज क्लियर है कि म्यू टू एयर है, इसलिए उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए। म्यू वन को हम म्यू बोल देते हैं। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली ये रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो आर टू हो गया, और ये जो आर है यानी बाहर वाला, ये हो गया इमरजेंस। सो साइन ई इक्वल्स टू म्यू साइन आर टू, म्यू हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में रूट थ्री, और साइन आर टू है 30 डिग्री, सो दिस इज रूट थ्री बाय टू, क्योंकि साइन 31/2 है, तो साइन ई इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू का मतलब है कि ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, और यही हमारा आंसर है। एक्चुअली ऑप्टिक्स में काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। जस्ट एक अगर हमारा प्रिज्म का कंसेप्ट क्लियर था, नॉर्मल इंसिडेंस का कंसेप्ट क्लियर था, तो कुछ फॉर्मूले ज्यादा है ही नहीं इसमें। ये तो काफी आसान बेसिक फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला वेव थ्योरी ऑफ लाइट का कहो या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कहो, स्नेल्स लॉ। तो ये फॉर्मूला भी काफी आसान था, ये प्रॉब्लम भी आसान था, सिर्फ जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की है उन्हें अच्छी तरह से प्रॉब्लम आना ही चाहिए, इसमें कोई ज्यादा टाइम लगने वाली भी बात नहीं है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए काफी टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज लेस देन 30 सेकंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम ऑफ नीट 2023। आइए हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या चीज है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स। एक कैपेसिटर है जो एक सोर्स जिसका पोटेंशियल दिया है वी जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, एक कैपेसिटर जोड़ा हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी पूछा है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछ लिया उन्होंने, क्या दिया है, कैपेसिटेंस सी दिया है, पोटेंशियल वी दिया है और करंट आईडी पूछा है। हमें पता है कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाय डी टी, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। ये फॉर्मूला तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर सेक्शन में, Q इज इक्वल टू सी वी, ये बेसिक डेफिनेशन ही है। अब d बाय डी टी ऑफ C इंटू वट इज वी, वी इज गिवन टू बी वी जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पे कैपेसिटेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर लेंगे। वी जीरो ये पीक वैल्यू हो गई पोटेंशियल की, वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर लेंगे। अब हमारा काम रहा सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी लेना। अब यहां पे जिनका डेरिवेटिव फॉर्मूला रेडी उनके लिए कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। साइन ऑफ ओमेगा टी की डेरिवेटिव होगी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सो फाइनल आंसर विल बी वी जीरो ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व। क्या था इस प्रॉब्लम में, सिर्फ डेरिवेटिव जिसे पता है, जिसे बेसिक डेफिनेशन कैपेसिटर की और पोटेंशियल की चार्ज का रिलेशन पता है, उसे आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, वी जीरो ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी पहला ही ऑप्शन है और यही इस क्वेश्चन का प्रॉपर राइट आंसर है। हो गया आपके चार मार्क। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेस देन 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हम देख लेते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब चार वायर है जिनकी लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस भी सेम है। जब वो पैरेलल में जोड़े जाएंगे तो मैं ऐसा ले लेता हूं, एक वायर का रेजिस्टेंस आर, दूसरे का आर, तीसरे का आर, चौथे का भी आर ले लेते हैं। अभी अगर चारों से पैरेलल में जोड़े जाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो होता है R अपॉन 4। ये हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन देयर इफेक्टिव इज R बाय n। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, 4 रेजिस्टेंसेस है, इनके रेजिस्टेंसेस क्यों सेम है, क्योंकि इक्वल लेंथ है, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और मटेरियल भी सेम है, सब कुछ सेम है तो रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए R बाय 4। अब ये कितना दिया है, 0.25 दिया है। This is given to be, effective resistance is given to be 0.25 ohm. So R is equal to 4 into 0.25. That is 1 ohm. ये हो गया तुम्हारा effective, ये हो गया resistance of individual wire. ये सब वायर एक एक ohm वाले हैं। अब अगर इन्हें हम सीरीज में जोड़ देंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R सीरीज इज इक्वल टू 4 into R. That is 4 into 1. So final answer है आपका इस क्वेश्चन का 4 ओहम हो गया। सिंपल, ये 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये 11th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड में एक्चुअली कंटेंट है। अब हम जाते हैं आगे, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास एक फिगर दी हुई है, इस तरह से हमारे पास फिगर दी है, सबके कैपेसिटेंस सी दिए हुए हैं और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन निकालना है। इसके लिए एकदम सिंपल मेथड है, क्या हमने शॉर्ट ट्रिक ली है, अगर सपोज दैट यहाँ पे हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। यहाँ का पोटेंशियल अगर वी मान लेंगे तो यहाँ का भी वी होगा क्योंकि सारे सेम कैपेसिटेंसेस है, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए यहां पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो सर्किट में इसका होना ना होना एक ही है। अब सर्किट में ये नहीं भी है तो भी फर्क पड़ेगा नहीं, है तो भी फर्क पड़ेगा नहीं, एक्चुअली ये सर्किट इस तरह का बन जाएगा। अब ये सर्किट अगर इस तरह का बन गया तो दो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीधा हम C1+C2 लिखेंगे 2C, तो इसका आंसर है 2C। तो इस तरह से हमने पहले 5 प्रॉब्लम अभी पूरे किए पहले सेक्शन में। आपको ध्यान में आ रहा है कि पांचों के पांचों काफी आसान क्वेश्चंस थे। अब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस ना आने का मेन रीजन क्या है, इसकी चर्चा हम ये पूरा जो पेपर है 21 का वो डिस्कस करने के बाद करेंगे। एक बार पूरे 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद मैं आपको हाउ टू मेक फिजिक्स सिंपल, कैसे हम स्कोर 70 से 170 तक बढ़ा सकते हैं, और क्या एक्चुअली रीड करना है, कौन सी किताब यूज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आने वाले वीडियो आप देखते रहिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें प्रेरणा देंगे, एनर्जी देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कुछ गलत लग रहा है या कुछ अच्छा भी लग रहा है तो उस हिसाब से आप नीचे कॉमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।